स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट बीम्स और फ्लिक्स्ड बीम्स। कंपोजिट बीम्स क्या होती है? जो दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स की बीम होती है उसको हम कंपोजिट बीम बोलते हैं। सो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी कंपोजिट बीम होती है उसको पहले हमको एक ही मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हम इसमें बेंडिंग इक्वेशन की मदद लेते हैं और बेंडिंग इक्वेशन में हमने अजम्पशन लिया है कि जो मटेरियल होता है वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होता है। मींस जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है हर पॉइंट पे। तो अगर दो मटेरियल होंगे तो वहां पे प्रॉपर्टी जो होगी फिर वो डिफरेंट हो जाएगी अलग अलग पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। तो अगर हमको बेंडिंग इक्वेशन यूज करना है कंपोजिट बीम को सोल्व करने के लिए तो हमको पहले उसको एक मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है। सो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कंपोजिट बीम होती क्या है। सो कंपोजिट बीम क्या है? जो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती है और वो रिजिडली कनेक्टेड होती है। रिजिडली कनेक्टेड मींस क्या हो गया आपका कि वो फिर सिंगल पीस की तरह बिहेव करती है। जैसे हमने पहले भी कंपोजिट बीम्स पढ़ी हुई है, कंपोजिट बार्स पढ़े हुए हैं, तो कंपोजिट बार्स में हमने देखा था कि वो एक ही पीस की तरह बिहेव करता है। सो उसमें जो स्ट्रेन आती है वो सेम आती है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपका कंपोजिट बीम होगा तब वहां पे वो मटेरियल जो होंगे वो एक ही तरीके से बिहेव करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपोजिट बीम क्या है। ए बीम मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स अज्यूम टू बी रिजिडली कनेक्टेड एंड बिहेविंग लाइक ए सिंगल पीस इज नोन एज कंपोजिट बीम। और कंपोजिट बीम को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लिक्स्ड बीम। सो सबसे पहले ये समझना है कि कंपोजिट बीम में हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। मीन्स जो उनकी जो स्ट्रेन आएगी वो सेम आएगी। कितने भी मटेरियल्स हो आपकी जो स्ट्रेन आएगी वो सेम आएगी। तो हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए दो कॉन्सेप्ट है। सब पहला कॉन्सेप्ट क्या है? जो द स्ट्रेन विल बी सेम फॉर बोथ मटेरियल्स। मीन्स जो स्ट्रेन आएगी दोनों मटेरियल की वो सेम होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपकी जो मटेरियल्स है, मान लीजिए दो मटेरियल से बीम बनी हुई है, तो मटेरियल वन में आपका जो मूवमेंट आया वो एम वन आया और मटेरियल टू में जो आपका मूवमेंट आया वो एम टू आया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा दोनों मटेरियल का या पूरी बीम का बोल सकते हैं, तो वो उन दोनों का सम होगा। मीन्स एम इजिकल्स टू एम वन प्लस एम टू। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है कंपोजिट बीम का तो आप जितने भी इंडिविजुअल जो आपके मटेरियल है उनका मोमेंट निकाल के प्लस कर देंगे। सो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या हो गया गाइज? द टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। तो ये हमारा गाइज क्या हो गया? सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम इजीली कर पाएंगे। सो पहला जो है हमारा वो है द स्ट्रेन विल बी सेम फॉर बोथ मटेरियल्स। तो पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रेन को कंपेयर कर देंगे जितने भी मटेरियल होंगे क्योंकि वो इक्वल है। दूसरा ये है कि जब भी हमको टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो जो सम होगा इंडिविजुअल का वो हम ऐड कर देंगे। तो यहां पे अगर दो बीम है तो एम इजिकल्स टू क्या हो जाएगा गाइस? एम वन प्लस एम टू। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसका प्रोसीजर समझते हैं कि हम इसमें किस तरीके से मोमेंट निकालेंगे। तो यहां पे आपके पास एक कंपोजिट बीम है जिसमें वुडन पीस है बीच में और उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे? स्टील प्लेट से। और दो यहां पे क्या है? स्टील प्लेट है। वुडन पीस की जो विड्थ है वो बी है और स्टील प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है गाइस? टी है। अब ये आपके न्यूट्रल एक्सिस है और न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की डिस्टेंस कितनी गाइस? वाई है। सबसे पहले हम स्ट्रेन लिखते हैं स्टील में। सो स्ट्रेन इन स्टील एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस बाय ई। सो यहां पे अगर हम इसको वन मान रहे हैं स्टील को और वुडन को टू मान रहे हैं तो आपका स्ट्रेन कितना आ जाएगा स्टील में? सिग्मा वन बाय ई। सिमिलरली हम स्ट्रेन लिख सकते हैं वुड में एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस तो वो कितना जाएगा गाइस? स्ट्रेस बाय ई, जो कि कितना जाएगा? सिग्मा टू बाय ई। तो सबसे पहले हम स्ट्रेन लिख लिया स्टील और वुड में।
अब हमको पता है कि जो स्ट्रेन है वो क्या है, सेम है दोनों मटेरियल के लिए, तो हम उन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। सो आगे देखते हैं, स्ट्रेन विल सेम फॉर बोथ मटेरियल्स, तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्मा वन अपॉन ई वन इज इक्वल्स टू सिग्मा टू बाय ई टू। नाउ सिग्मा वन इज इक्वल्स टू ई वन इधर चले गया, तो ये आ गया ई वन बाय ई टू इंटू सिग्मा टू। अब जो आपका ई वन बाय ई टू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलर रेशियो, जो कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि मॉडुलर रेशियो होता है क्या है, वो होता है यंग्स मॉडुलस का रेशियो। सो जो आपका बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे ई वन जो है वो बड़ा होता है, तो ये आ जाएगा ई वन बाय ई टू, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम। सो सिग्मा वन इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, एम इंटू सिग्मा टू। तो ये हमारा क्या आया, स्ट्रेस आ गया स्टील के लिए, और ये आपका क्या है, स्ट्रेस इन वुडन। सो ये आ गया स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एम इंटू सिग्मा टू। मॉडुलर रेशियो हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो बीम है वो एक ही मटेरियल में कन्वर्ट करना है, जिससे हम क्या लगा सकते हैं, बेंडिंग इक्वेशन। तो हम मॉडुलर रेशियो की मदद से बीम को एक ही मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे सिग्मा वन इज इक्वल्स टू एम सिग्मा टू, डेट मीन्स कि जो आपकी सिग्मा वन है ये स्टील के लिए स्ट्रेस है, और सिग्मा टू ये जो आपकी वुडन के लिए स्ट्रेस है। तो आपका जो स्टील का जो स्ट्रेस आएगी वो कितने टाइम्स वुडन के आएगी, एम टाइम्स आएगी। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, मीन्स सिग्मा वन की जगह हम क्या लिख देंगे, एम इंटू सिग्मा टू, और वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो स्टील है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा फिर वुडन में, और फिर हम बेंडिंग इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने मॉडुलर रेशियो की मदद से आपका जो बीम है वो एक ही मटेरियल में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। वेयर एम इज नोन एज मॉडुलर रेशियो, जो कि रेशियो होता है यंग्स मॉडुलस का। अब बेंडिंग इक्वेशन लगा रहे हैं गाइस, तो एम बाय आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा बाय वाई। सो यहां पे देखिए एम क्या आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपका किसके लिए हो जाएगा, स्टील के लिए हो जाएगा, और ये आपका किसके लिए हो जाएगा, वुडन के लिए हो जाएगा। तो जब हम स्टील के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम वन इज इक्वल्स टू सिग्मा वन बाय वाई इंटू आई वन, और जब आप वुडन के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एम टू इज इक्वल्स टू सिग्मा टू बाय वाई इंटू आई टू। अब जो वाई है ये तो सेम ही रहेगा आपका न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है। नाउ टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है हमारा, एम वन प्लस एम टू, ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट था कंपोजिट बीम का। सो एम वन और एम टू की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एम वन और एम टू की हमने वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया गाइस, सिग्मा वन बाय वाई इंटू आई वन प्लस सिग्मा टू बाय वाई इंटू आई टू। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्मा वन की वैल्यू कितनी है, एम इंटू सिग्मा टू, तो वह हम पुट कर सकते हैं। तो हमने सिग्मा वन की वैल्यू कितनी पुट कर दी, एम इंटू सिग्मा टू इंटू आई वन बाय वाई प्लस सिग्मा टू बाय वाई इंटू आई टू। अब सिग्मा टू बाय वाई हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, एम आई वन प्लस आई टू। तो जो हमारी नई बीम बनी है जिसमें हमने स्टील को काय में कन्वर्ट कर दिया है वुडन में, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा पूरी बीम का वो कितना आएगा, एम आई वन प्लस आई टू। तो उसको हम आई लिख सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एम आई वन प्लस आई टू। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर इक्विवेलेंट बीम। तो जो आपने स्टील को वुडन में कन्वर्ट करा है उसके बाद जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है उस बीम के लिए वो कितना है आपका, एम आई वन प्लस आई टू। तो हमने इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं गाइस, आई। तो ये हमारा मोमेंट आ जाएगा टोटल, और वो किसके इक्वल रहेगा, सिग्मा टू बाय वाई इंटू आई, और आई की वैल्यू कितनी है, एम आई वन प्लस आई टू। तो इस तरीके से हम टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कंपोजिट बीम का या फ्लिक्स्ड बीम का। और अगर आपको स्ट्रेस फाइंड करना है, अगर आपको एक स्ट्रेस गिवन है और दूसरी स्ट्रेस फाइंड करना है, तो वो हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा वन इज इक्वल्स टू एम इंटू सिग्मा टू, और एम आपका क्या है, यंग्स मॉडुलस का रेशियो, जो बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई वन ग्रेटर देन ई टू। तो ये आपको याद रखना है कि यंग्स मॉडुलस हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे, वन से। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था।
तो एक बार वापिस से समझ लेते हैं कंपोजिट बीम और फिक्स्ड बीम की जो प्रोसीजर है वो। तो सबसे पहले आपको दोनों मटेरियल्स में स्ट्रेन निकालना है, तो हम दोनों मटेरियल्स में स्ट्रेन निकाल सकते हैं। सो पहली मटेरियल में आ जाएगा सिग्मा 1 बाय ई, दूसरे में आ जाएगा सिग्मा 2 बाय ई। अब जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो यूज कर लेंगे, तो जो आपकी जो स्ट्रेन होती है वो सेम होती है, तो हमने दोनों की स्ट्रेन क्या रख दी गाइस, सेम रख दी। अब सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ई 1 बाय ई 2 इंटू सिग्मा 2। अब ई 1 बाय ई 2 कितना होता है, एम होता है, तो उसको हमने रख दिया एम, और एम क्या हमारा मॉडुलर रेशियो। नाउ अब हमने एक ही बीम को एक ही मटेरियल में चेंज कर दिया है, तो हम बेंडिंग इक्वेशन लिख सकते हैं एम बाय आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई। अगर हम फर्स्ट मटेरियल के लिए लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारा सिग्मा 1 बाय वाई, और दूसरा हो जाता है हमारा सिग्मा 2 बाय सिग्मा 2 वाई सिग्मा 2 बाय वाई इंटू आई 2। टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख देंगे गाइस, तो एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा 1 बाय वाई इंटू आई 1 प्लस सिग्मा 2 बाय वाई इंटू आई 2। अब सिग्मा 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और तो कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम आई 1 प्लस आई 2, और एम आई 1 प्लस आई 2 को हम आई लिख सकते हैं, जो कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इक्विवेलेंट बीम के लिए। तो हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये प्रोसीजर इजीली समझ में आ सके। सो यहां पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द वुडन इज 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये आपको फिक्स्ड बीम दे रखी है, कंपोजिट बीम दे रखी है, इसमें एक सेक्शन है आपका वुडन का और एक सेक्शन है आपका स्टील प्लेट का। अब वुडन के लिए आपको स्ट्रेस दे रखी कितनी, 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फाइंड द करस्पोंडिंग मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील, और आपको स्टील में क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है। फाइंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कंपोजिट सेक्शन, और आपको टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। इसके लिए आपको स्टील में क्या दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, और ये आपको वुड का यंग्स मॉडुलस दे रखा है। सो सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं यहां पर स्टील और वुडन में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्टील। तो ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और ये आपके स्टील प्लेट्स कितनी गाइस, 2 है, तो इसको हमने 1 कंसीडर करा, इसको 2 करा है, तो ये आई 1 लिख देंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू बी 1 डी 1 क्यूब बाय 12, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बी डी क्यूब बाय 12। नाउ यहां पे हम बी 1 यहां पे कितना है, देखिए आपका 1 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू डी 1 आपका कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 20 क्यूब बाय 12। हम इसको सोल्व कर सकते हैं गाइस, तो सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया आपके पास 1333.33 सेंटीमीटर की पावर 4, क्योंकि आपको जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में गिवन है। इसको हम चेंज कर सकते हैं एमएम में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10^4 एमएम की पावर 4। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला किसके लिए, स्टील के लिए। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं वुडन पीस के लिए, तो हम वुडन के लिए लिख लेते हैं, तो आई 2 हमारे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे एक ही ये सेक्शन, तो ये कितना आ जाएगा बी डी क्यूब बाय 12। अब यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और वो आपका कितना है 20 है, सो ये हम लिख सकते हैं, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे 20, तो ये आ गया आपके पास 6.66। अब इसको भी हम एमएम में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो जाएगा 10^4 एमएम। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया स्टील प्लेट के लिए और वुडन के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो आपका इक्विवेलेंट है आई निकाल लेंगे, सो आई कितना होता है आपका एम आई 1 प्लस आई 2। अब हमारे पास आई 1 आई 2 है, एम की वैल्यू नहीं है, फिर एम इज ई 1 बाय ई 2, ई 1 आपका स्टील के लिए, तो वो आपको इसको हम ई एस बाय ई डब्ल्यू लिख लेते हैं, सो ये आपके आ जाएगा 2 इंटू 10^5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10^4।
तो एम आपके पास कितना आ गया गाइस 20। सो एम की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 20। सो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आई वन हमारे पास कितना आया था गाइस 1333.33 इंटू 10 की पावर 4 और एम की वैल्यू कितनी निकाली 20 प्लस 10 की पावर 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया आपके पास 3 × 10 की पावर 4 mm की पावर 4। तो ये हमारा क्या आ गया गाइस आई आ गया। नाउ आपको टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा 2 बाय वाई इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिग्मा 2 यहाँ पे आपको गिवन है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन दी वुडन इस कितना गिवन है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा 2 हमारा क्या है स्ट्रेस इन वुडन पीस। तो ये हमारा गिवन है हमको कितना 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाई जो है आपका ये कितना हो जाएगा आपका 20/2, तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 mm। तो हमारा वाई कितना है 100 mm। नाउ एम की वैल्यू फाइंड करना है तो सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे 7/100 × 3 इसको हम सोल्व कर सकते हैं गाइस। तो ये आ गया हमारे पास 10 में। अब इसको हम किलो न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं तो 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23.33 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया गाइस मूवमेंट आ गया टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें आपको स्ट्रेस डिफाइन करनी है स्टील में तो हमको उसका एक रिलेशन पता है स्ट्रेस इन स्टील कितनी आपकी σ1। तो आपको पता है σ1 इज इक्वल्स टू क्या होता है एम इंटू σ2। यहाँ पे आपको एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 इंटू σ2 आपको कितना गिवन है 7। तो ये आपका आ जाएगा 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से आप टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंपोजिट बीम में फाइंड कर सकते हैं और दूसरे की स्ट्रेस भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक मटेरियल की स्ट्रेस गिवन है और दूसरे मटेरियल की स्ट्रेस आपको फाइंड करनी है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कंपोजिट बीम में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनका या प्रोसीजर जो होती है कंपोजिट बीम को सोल्व करने की वो। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप बेसिक्स से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल NK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।